हेलो, कहिए कैसे हैं। और आज जो मैं बातें करूंगी ना, और जो बताऊंगी, शायद हो सके तो आप लोगों को अच्छी भी लगेगी, और ना लगे तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिएगा, पर सुनिएगा जरूर पूरा, ठीक है। इंसानियत, ये जो शब्द है ना, इससे हर कोई वाकिफ होगा। इंसानियत क्या आज के समय में, आज के समाज में इंसानियत बची हुई है एक दूसरे के अंदर? अगर हाँ तो बताइएगा जरूर, और यदि नहीं बची है तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ईश्वर ने ना हमें मानव बनाया है, एक इंसान बनाया है ना, और उस इंसान के अंदर एक छोटा सा दिल बनाया हुआ है। अगर वो आपके पास नहीं है, वो आपके पास दिल नहीं है, वो मानवता नहीं है, तो फिर जीना आपका बेकार है, ठीक है। भगवान ने मानव बनाया है, उसके अंदर, उस दिल के अंदर प्रेम भरा है ना, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखी है, एक दूसरे के प्रति हेल्प, मदद रखी हुई है। पर आजकल के समाज में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, ना आपके आसपास, ना ही आपके आस पड़ोस में, ना ही रिश्तेदार में, ना ही कलीग में, ना ही जॉब में, कहीं भी नहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेगा। अगर दिखेगा तो स्वार्थ के अनुसार दिखेगा, बिना स्वार्थ के नहीं, ठीक है। तो आजकल इंसान भी अगर एक दूसरे की मदद करता है ना, तो स्वार्थ की भावना से, जब तक उस इंसान का स्वार्थ नहीं होगा ना उस सामने वाले व्यक्ति से, तब तक उस इंसान की मदद नहीं करेगा, जो कि बिल्कुल गलत है ना। भगवान भी कहते हैं कि तुम उस इंसान की मदद अगर बिना स्वार्थ के करोगे ना, तो तुम्हारी जो भी परेशानी होगी, जो भी समस्या होगी, वो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही सही हो जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों के अंदर स्वार्थ इतना कूट कूट कर भरा हुआ है ना, कि वो मदद करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं कि मदद करे कि ना करे, उससे फायदा है कि नहीं है, पहले ये जरूर देखेंगे, तभी वो मदद करते हैं, वरना नहीं करते हैं, है ना, जो कि गलत है, ठीक है। असली मानव वही है जो कि बिना देखे उस इंसान को हम देख रहे हैं, और आपके अंदर एक भावना से जगे कि हाँ, हमें उस इंसान की मदद करनी चाहिए, वो इंसानियत होती है ना। शायद इस बात से आप भी वाकिफ होंगे, है ना, क्योंकि आजकल बिल्कुल नहीं है, पहले ज़माने में बहुत थे। अगर कोई भी, अगर खाना भी ना हो ना किसी सामने पहले के ज़माने में, तो वो अपने की आगे की खाने की थाली वो दे देते हैं कि भाई तुम लोग पेट भर लो, खा लो, है ना। पहले ये मानवता थी, पर अब तो दूसरी की थाली भी छीन कर खा ले, ऐसा समाज आ गया है और ऐसा इंसान हो गया है ना। मैं ये नहीं कहती कि सारा समाज में ऐसे भी इंसान नहीं होंगे, पर 100 में से 10 होंगे शायद, है ना। मैं तो आसपास या अपने जो इर्द गिर्द है मैं नहीं देखती हूँ, बल्कि स्वार्थ से भरे हुए ही लोग देखती हूँ, और देखती ये भी हूँ कि जिसको ज़रूरत हो ना वही मदद करता, वरना नहीं करता है। मदद करना तो छोड़ो, बातें भी नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं कुछ मांग ना ले, कहीं कुछ ले ना ले, बस ये मन में डर होता है, जो कि गलत है। तो आशा करती हूँ कि मैं कुछ बात समझाई होंगी तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया होगा फ्रेंड, तो शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, ये जो इंसानियत, मानवता है ना, इसे प्लीज़ अपने अंदर इसे ज़िंदा रहने दीजिए, ताकि हमारे बच्चे जो आगे भविष्य है वो भी सीखेंगे, है ना, तभी तो वो एक दूसरे की वो भी मदद करेंगे, नहीं तो किसी की भी मदद भविष्य में नहीं करेंगे। तो हम जैसा करेंगे ना, हमारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे, है ना। कहते हैं ना कि बच्चे माँ बाप के पूर्व, जो माँ बाप करते वही बच्चे भी सीखते हैं, तो इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे बच्चों के रास्ता या उनका जो आने वाला भविष्य वो भटक जाए, है ना, क्योंकि हम जैसा करेंगे वही तो सीखेंगे बच्चे, है ना। तो इसलिए इंसानियत, मानवता को हमेशा जिंदा रखिए, और एक दूसरे की मदद करना सीखिए, एक दूसरों के पैर मत खींचिए। तो यही कहना है, और यदि आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर।